अभी पहुंचा मैं कंपनी से और आके मैं बैठ गया हूँ बाहर, मुझे नोनू ने बाहर ही उठा दिया। कुछ तो सरप्राइज देना चाहता है, कुछ स्कूल से कुछ मिला होगा शायद, मुझे मतलब डाउट ये पड़ रहा है। तो उसी का मेरिट सर्टिफिकेट दिखाना था इसने मुझे, इसको कोई मेरिट सर्टिफिकेट मिला है, किस कंपटीशन में मिला है, ये सेकंड पोजीशन आई है इन रिपोर्ट मेकिंग कंपटीशन। नू टोबैको डे वाले दिन इसने एक रिपोर्ट ला के सबमिट करी थी स्कूल में, तो उसका ही इसको प्राइज़ मिला। कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। बच्चे जब ऐसी कोई एक्टिविटी करें और उनको अवार्ड मिले तो हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये फ्रेंड्स, बारिश के इस मौसम में मेरा मन कर रहा था मैं कुछ ये इस तरह की चीज़ें खाऊँ। इसमें देखो, एक मैं टमाटो डालूँगा, दो प्याज, कुछ चने हैं, और ये मैं दो मूंग दाल लेके आ गया था। अभी मैं इसका मिक्सचर बनाऊँगा और उसके बाद हम बैठ के यहीं पे खाएंगे इसको। सो ये हो गया हमारा रेडी, अपना घर का बनाया हुआ चाट। और ये देखिए, ये घर से बनाया हुआ, ये फ्रेश, बिल्कुल हाइजेनिक है। और अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये लो जी, आपको कितना कितना चाहिए होगा, कितना कितना चाहिए डाल डालना। सो वन टू सबसे आप लोगों के लिए, और हम जो है थाली में कर लेंगे। आप ये लो, मेरे को थाली दे दो। चलो थाली में ही लगती, बारिश में ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं मुझे। वाह, मतलब रोड पे खाने से बेटर है, घर पे अच्छे से है। ये लो आप लोग भी इस सब के लिए। हाँ सुनो, ये सलाद अच्छे है, हमको आइडिया नहीं आता। और बाहर चल रही होती है ना, अगर घर पे मूंग दाल पड़ी हो ना तो बनाया। मैं मम्मी को हमेशा पकाओ रोस्ट के लिए बोलता हूँ, जब तक ये बनाते हैं तब तक बारिश ही थम जाती है। चना डालना ये ज़्यादा बेटर रहता है। ज़्यादा तक पहले बहुत है, क्यों करते हैं यहाँ स्कूल से डाल देते हैं। ये नहीं, वो डालो सर कुछ, घर वाला मस्त लगता है। जब हम खाते हैं तो कैसे लगते हैं। वैसे गाइस, इधर हाउ टू ईट चाट मैं बताता हूँ। दिस इज हाउ टू ईट चाट। यूट्यूब पे हर तरह के वीडियो मिलते हैं, एक वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं चाट कैसे खाते हैं, बनाते हैं, बहुत मिल जाएंगे आपको। खाते कैसे हैं वो हम दिखा रहे हैं। पहले स्पून लो, ये जिसमें चाट होगा उस पर पहले ऐसे ऐसे घुमाओ मस्त, और अगर ऊपर मसाला गिरा हुआ है तो पहले मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर दो, फिर भरो स्पून को और मुंह में डाल लो। दूसरा तरीका ऐसे ले लो हाथ में स्पून में, और स्पून को धीरे धीरे अपने मुंह में ले जाओ और इसको चबा लो पहले अच्छे से, उसके बाद गट को। लड़कियां चाट कैसे खाती हैं, अब आप ये देखते हैं। द गर्ल्स ईट चाट, ये हम पूरा स्पून भरते हैं, आधा स्पून भरते हैं। तो ये हमने आज चाट कैसे खाते हैं वो आपको बता दिया। अलग डायरेक्शन से बताते हैं आपको, इस डायरेक्शन से ऐसे चाट। बढ़िया बना, टेस्टी है, बहुत अच्छा लग रहा है। बारिश में, बारिश है बाहर लगी हुई,